इंटर कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कोरल ड्रा के अंदर व्यू मेन्यू के अंदर के ऑप्शन को समझते हैं। इसको मैं जूम करके दिखा देता हूं। यहां आप देखें, यहां पर ऑप्शन फाइल और एडिट, दो मेन्यू के बारे में पहले ही आपको बता चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके उनके बारे में वीडियो देखकर सीख सकते हैं। यहां पर मैं व्यू मेन्यू के अंदर के ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। यहां पर जो हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं, इस तरह से ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें आपको सबसे पहले बताऊंगा। यहां पर आप देखेंगे ये ऑप्शन है, ये हमेशा आप याद रखें कि ये ऑप्शन एक्टिव रहता है कोरल ड्रा के अंदर। ये किस तरह से, अभी अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद इसके अंदर कलर भरने के लिए मैं राइट हैंड पर जाता हूँ और किसी भी कलर पे एक बार क्लिक करता हूँ। और यहाँ आप देखेंगे आपको इसमें कलर फिल दिखाई दे रहा होगा। और हम जाते हैं फिर व्यू में, और व्यू में करते हैं सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक, जिसका नाम है सिंपल वायरफ्रेम। जैसे ही सिंपल वायरफ्रेम पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, रेक्टेंगल के अंदर हमें कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर हट जाएगा और ये अपने एक सिंपल यानी साधारण फॉर्मेट में आ जाएगा। हम क्लिक करते हैं, ये देखिए इस तरह से आ जाता है। और अगर आप चाहते हैं क्या, अगर आपको इसमें व्यू में जाने के बाद हम क्या करते हैं वापस वही चाहिए तो क्लिक कीजिए, तो ये देखिए वापस उसी पोजिशन में आ जाएगा जो पहले अवेलेबल था। हम क्या करते हैं अगला देखते हैं वायरफ्रेम। यहाँ आपने देखा है कि सिंपल वायरफ्रेम में ये कंडीशन हो रही है, और अब करते हैं वायरफ्रेम पर क्लिक। लेकिन इससे पहले क्या करते हैं, एक और रेक्टेंगल हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, और इस क्रिएट करने के बाद इसको इन टूल्स की हेल्प से इसमें कुछ डिजाइन क्रिएट कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से मैंने क्या किया, इसके अंदर ये डिजाइन थोड़ी सी क्रिएट कर दी, और अब देखेंगे ये इस तरह से ये बन गया है। और हम चाहते हैं इसको क्या करते हैं फिर से व्यू में जाके सिंपल वायरफ्रेम करते हैं, तो देखिए क्या होता है, दोनों पे इंपैक्ट क्या प्रभाव पड़ता है। ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। और हम फिर करते हैं क्लिक वायरफ्रेम पे क्लिक। जैसे हम वायरफ्रेम पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस रेक्टेंगल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां आप देखेंगे इसकी लाइन क्लियरली दिखाई दे रही है विदाउट कलर, यानी कि बिना कलर के। हम फिर से इस पे जाते हैं सिंपल में, ये देखिए इस तरह से इसका रिजल्ट शो होता है सिंपल वायरफ्रेम में, और वायरफ्रेम में इस तरह से इसका रिजल्ट शो होता है। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग शेप्स के ऊपर अलग अलग तरह से ये ऑप्शन काम करते हैं। मैं फिर से इसको इनहेंस्ड कर देता हूं। इनहेंस्ड करने पर आप देखेंगे कि नॉर्मल वे में आ गए हैं, इनहेंस्ड पर क्लिक करते ही। और हम क्या करते हैं इसको नॉर्मल और ड्राफ्ट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों ही शेप्स को हटाकर कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देते हैं, और हम लाते हैं यहाँ पर एक ऐसे फोटो या किसी तरह का बैनर। तो इस पे जाते हैं फाइल पर, इंपोर्ट पे जाते हैं। इंपोर्ट पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, किसी भी एक वॉल पेपर को ले लीजिए आपके कंप्यूटर में जहां पर भी हो। तो हम जानते हैं इंपोर्ट करने से कोरल ड्रा में कोई भी इमेज आ जाती है। यहां पर हम करते हैं क्लिक, मैं पहले ही बता चुका हूं फाइल के बारे में, वीडियो आपको अगर समझना है तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी साइज मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी इंप्रूव कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है। और फिर क्या करते हैं जाते हैं हम व्यू में, और व्यू में जाने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर ड्राफ्ट पर क्लिक। तो आप देखेंगे ये देखिए आपको बहुत ही ज्यादा ब्लर दिख रहा होगा, जबकि हम क्या करते हैं व्यू में जाके फिर से हम क्या करते हैं इनहेंस्ड पर क्लिक करते हैं। तो इनहेंस्ड पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपको ड्राफ्ट से पहले से क्लियर दिख रहा होगा, यानी ड्राफ्ट पर क्लिक करते ही ये बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता है, जबकि इनहेंस्ड पर क्लिक करते ही ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। इसमें आप देख सकते हैं दोनों में काफी अंतर है, जबकि ड्राफ्ट में हम फिर से एक बार क्लिक करते हैं, ये देखिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसको मैं जूम आउट कर दूंगा तो और आपको थोड़ा सा ब्लर दिखाई देगा, जबकि हम इनहेंस्ड पर क्लिक करते हैं तो इसका ब्लर जो होता है वो क्लियर हो जाता है। इसको और भी जूम करके हम देख लेते हैं एक बार, ये देखिए इस तरह से। और हम करते हैं इस बार ड्राफ्ट पे क्लिक, ये देखिए ड्राफ्ट पे क्लिक करने पर इस तरह से हमारा रिजल्ट शो हो रहा है, ये ब्लर हो चुका है धुंधला। हम इस पर क्लिक करते हैं, इनहेंस्ड पर क्लिक करेंगे तो इनहेंस्ड पर क्लिक करते ही देखिए ब्लर था बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब हमें समझ में आ रहा है कि इस पर लिखा क्या है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसमें नॉर्मल, नॉर्मल ऑप्शन को देखने के लिए हम फिर से इसको हटाना होगा, तो इस पर क्लिक करके हम कर देते हैं इसको डिलीट। और फिर क्या करते हैं यहाँ पर आकर हम बनाते हैं एक रेक्टेंगल, और व्यू में जाके पहले हम इनहेंस्ड पे, हाँ यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक है। हम क्या करते हैं कुछ नहीं, हमें सिंपल सा हमें किसी भी इसमें जाके टूल्स में हम क्या करते हैं एक पोस्ट स्क्रिप्ट फिल डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं, और इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं जूम करके इसका प्रीव्यू फिल पर क्लिक करते हैं, तो हम जो भी लेंगे यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह की डिजाइन आ रही है। हम इसकी साइज को थोड़ा सा इंप्रूव करके ओके करते देते हैं, और ये देखिए ये आपको अभी इसमें क्या है
कि एक तरह की डिजाइन दिखाई दे रही होगी, लेकिन हम व्यू पर जाते हैं और कर देते हैं इसको नॉर्मल। अब देखेंगे ये जो डिजाइन है अब थोड़ा सा ब्लर हो गया है, यानी कि अजीब सी दिख रही है। जो डिजाइन थी वो डिजाइन प्रॉपरली हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो यही अंतर है, यानी डिफरेंस कह सकते हैं इन दोनों के बीच में। नॉर्मल पे आपको जो अंदर आपने डिजाइन फिल की होगी वो नहीं दिखाई देती है, जबकि डिफरेंस पर यही चीज हमारी जो हमने फिल की थी वो हमें क्लियरली दिखाई देगी। इसको मैं क्या करता हूँ, जूम आउट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पर फुल स्क्रीन है, यानी फुल स्क्रीन प्रीव्यू, हम इसको जूम करके दिखा देते हैं। लिखा हुआ है फुल स्क्रीन प्रीव्यू, यानी कि आप यहाँ पर कुछ भी बनाएंगे तो उसका क्या होगा, हमें फुल स्क्रीन दिखाई देगा। हम इसको करते हैं यहाँ पर कोई भी चीज क्रिएट कर देते हैं इस तरह से, और अब चाहते हैं आप इसका फुल स्क्रीन दिखाई दे, तो व्यू में जाके आप सिंपल कीजिए फुल स्क्रीन प्रीव्यू, तो आप देखेंगे यहाँ पर सभी ऑप्शन आपके कोरल ड्रा के हाइड हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। और हम जैसे ही पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सभी ऑप्शन वापस आ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कभी भी इसको फुल स्क्रीन करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और वापस लाने के लिए सिंपल एक क्लिक कीजिए या कीबोर्ड से स्किप दबाइए तो आपके ये ऑप्शन वापस भी आ जाएंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इन सभी स्टेप्स को हटाकर कंट्रोल करके डिलीट कर देते हैं। इसके बाद समझते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर व्यू में जाने के बाद हमारा जो अगला ऑप्शन है इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है पेज सॉर्टर व्यू। पेज सॉर्टर व्यू क्या करता है इसको देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी फिलहाल एक पेज है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर पेज की इंफॉर्मेशन होती है कि पेज वन है, लेकिन अगर आप और भी पेज खोलना चाहें तो ये प्लस का मार्क होता है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे टू, इस तरह से थ्री, आप कितने भी पेज खोल सकते हैं। यहाँ पर मैं वन पेज पर क्लिक कर देता हूँ और वन पेज को मैं फिलहाल जूम आउट करके यहाँ पर कोई भी एक शेप्स क्रिएट कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ पर कोई भी कलर कर देता हूँ। सेकंड पेज पे जाता हूँ और फिर से मैं कोई भी एक चीज यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ इस तरह से, और मैं इसके बाद थर्ड पेज पे जाता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं इतने मैंने अलग अलग टाइप के पेज बना दिए हैं और इस पर कुछ भी कलर कर देता हूँ। ये देखिए इस तरह से और भी पेज बना सकता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो जाए कि सभी पेज मुझे एक बार में ही शो हो, यानी सभी पेजों पर मैंने कौन कौन सा काम किया है ये मुझे दिखाई दे, तो हम क्या करते हैं व्यू में जाते हैं, मैं जूम कर देता हूँ। व्यू में जाने के बाद हम जैसे ही सॉर्टर व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके क्या होंगे, ये सभी पेज अभी नीचे दिखा रहे हैं वन बाई वन, लेकिन सभी अपने क्या होंगे, सभी पेज इस तरह से दिखाई देंगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ पेज सॉर्टर व्यू पर क्लिक, ये देखिए आप देखेंगे ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने कभी पावर पॉइंट पढ़ा होगा उसमें भी इसी टाइप से एक ऑप्शन होता है जो स्लाइड को दिखाता है यहाँ पर, लेकिन कोरल ड्रा में आप देख सकते हैं ये स्लाइड सॉर्टर करके है, सॉरी स्लाइड सॉर्टर नहीं है इसका नाम, इसका नाम है सॉर्टर व्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज हमारे क्या हो गए हैं, आ गए हैं, और आपको जिस पेज पर पहुंचना है आप जस्ट क्या कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, तो जिस पेज पे आपने डबल क्लिक किया होगा वो वापस आपके सामने फ्रंट पर आ जाएगा। और वापस फिर से खोलना हो तो आप फिर से उसी पे क्लिक कर दीजिए तो वापस उसी पे फॉर्मेट में सभी पेज आ जाएंगे। इस तरह से हम पेज सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको मैं करता हूँ कंट्रोल लेकर के डिलीट कर देता हूँ और फिर देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। व्यू पे जाते हैं, व्यू में जाने के बाद एक रूलर होता है, हम जानते हैं हमारा ये पेज है। इस पेज के दो इस तरफ आप देखेंगे, लेफ्ट में ये आपको रूलर दिखाई दे रहा होगा और टॉप पर। अगर आपको इसकी जरूरत नहीं है तो आप रूलर पर क्लिक कीजिए तो आपका ये रूलर यहाँ से हट जाएगा, और हम इसी पर क्लिक करेंगे तो हमारा वापस रूलर शो हो जाएगा, यानी कि कभी भी शो एंड हाइड करने के लिए रूलर का यूज करते हैं हम। इसके बाद आता है ग्रिड, यानी कि अगर आपको एक तरह से क्या चाहिए, ग्रिड की जरूरत है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, इस तरह से आपको ये दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं इसकी जरूरत नहीं है सिंपल आप ग्रिड पर फिर से क्लिक कर दीजिए तो ये गायब भी हो जाएगा, यानी हाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है क्या, गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होता है, तो गाइडलाइन हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं किसी तरह के शेप्स को बनाते हैं जब, तो क्या होता है कम्प्लीटली इक्वल लाइन में रखना चाहते हैं आप। जैसे मान चलते हैं आपने एक रेक्टेंगल बना रखा है और भी कोई चीज बनाई है तो आप चाहते हैं वो इक्वली उसके साथ आए। ये देखिए हो सकता है ये इक्वल ना हो, इसको देखते हैं जूम करके। हम क्या करते हैं यहाँ पर जाते हैं, जूम कर लेते हैं इसको, तो ये कैसे पता चलेगा ये प्रॉपरली एक सा है। तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद हम करते हैं गाइडलाइन पर क्लिक, सॉरी गाइडलाइन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक होता है, इस पर जाके जाइए रूलर पर और एक लाइन आपको ऊपर से नीचे तक माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए ड्रैग करेंगे तो ये देखिए प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा हुआ ये किस तरह से ये आई है लाइन। आप चाहे तो यहाँ से भी आप इस तरह से लाइन को निकाल सकते हैं, तो आपको जहां से भी लाइन को चाहिए आप वहां से लेफ्ट या टॉप से उठा सकते हैं। और अगर आपको इनकी जरूरत नहीं है तो व्यू में ही जाके आप गाइडलाइन पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी जो भी लाइन आई होगी वो हट जाती है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल लेकर के सभी टूल्स को
सॉरी यहाँ सभी रेक्टेंगल को स्टार को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको व्यू मेनू के ऑप्शन के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।